जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट का है, अपना सॉरी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जो आप लोगों का रीजन है, जैसे अपना कोट अद्दू है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, उनका रीजन मेरे ख्याल में डीजी खान है। मुल्तान देखिए नीचे मुल्तान है, इसका जलालपुर, पीरवाला, मखदूम रशीद, महमूद कोट जो भी हैं उनका रीजन मुल्तान है। आप लोगों ने अपने रीजन पे क्लिक करना है। मेरा रीजन डिस्ट्रिक्ट डीजी खान है, मैंने डिस्ट्रिक्ट डीजी खान पे क्लिक कर दिया। ये रीजन तो मेरा सिलेक्ट हो गया। इस दूसरे ऑप्शन पे आ जाएं, यहाँ लिखा हुआ है बीएड, आप इस पे क्लिक करें। जो ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर देंगे, इसको सबमिट कर दें। मैं सबमिट करने लगा हूँ। जैसे ही आप लोग ये सबमिट करेंगे तो वो आपसे आपकी आईडी मांगेगा, स्टूडेंट आईडी, मतलब आप लोगों की जो आईडी होगी। अब मेरी आईडी तो ये पुट की हुई है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। तो अपना वर्कशॉप आप लोग इस तरह चेक कर सकते हैं बिना टेंशन के। ज़ीरो नहीं आ रहा, थोड़ा टच का मसला है, खैर मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये ज़ीरो का मसला है, थोड़ा ज़ीरो नहीं आ रहा, होना चाहिए था ये ज़ीरो नहीं, हाँ जी ज़ीरो क्यों नहीं आ रहा, ज़ीरो आ गया। PDN फिर भी ज़ीरो आना है, फिर भी ज़ीरो, सिफर दो, ये देखिए ये स्टूडेंट आईडी वही है जो आप लोग अपनी ऑनलाइन वर्कशॉप में यूज़ करते हैं। जैसे किसी का 20 PDN है, किसी का 20 PG है, जो कुछ भी है वो अपनी स्टूडेंट आईडी पुट करनी है। जस्ट इसमें ना तो अल्फ़ारेट पुट करना है, @ ना AIU पुट करना, कुछ भी नहीं, ओनली स्टूडेंट आईडी पुट करके आप इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही मैंने सबमिट किया तो देखिए मेरी वर्कशॉप शुरू हो गई। देखिए मेरा नाम आ गया शाहीन अकबर, मेरा रोल नंबर भी आ गया, मेरा रीजन भी आ गया डिस्ट्रिक्ट डीजी खान, मेरा प्रोग्राम भी आ गया बीएड। जो मेरी वर्कशॉप अब फेस टू फेस होनी है वो है 8608। इधर कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं है, वो आप जब कॉलेज जाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा आपका कोऑर्डिनेटर कौन, और उसकी डेट भी शो हो रही है। 3 मार्च को स्टार्ट होगी वर्कशॉप, 5 मार्च तक जाएगी। ये जो वर्कशॉप है ओनली 3 डेज होगी, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को एंड हो जाएगी। और आपका जो सेंटर है, आप लोगों की वर्कशॉप कहाँ होगी, वो है गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तांसा शरीफ। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वर्कशॉप कितने बजे शुरू होगी, इसका टाइमिंग क्या है, ये आप लोग अपने सेंटर से कॉलेज जाके पता कर लें, उनके पास शेड्यूल आ गया होगा कि कितने बजे है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर में मैं ये बात फिर भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरी 8670 क्लियर आए, जिनकी 8607 की वर्कशॉप नहीं हुई, मिस हो गई है या क्लियर नहीं हुई, तो उनका इसके नीचे 8607 का भी शेड्यूल शो होगा। तब तक आप लोगों को मेरे ख्याल में सब कुछ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट करके अपना पूछ सकते हैं। थैंक यू जी।